बीएसपी ने 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया कि बीएसपी एआईएमआईएम के गठजोड़ के साथ मैदान में उतरेगी। हालांकि मीडिया में दोनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबर से सियासी भूचाल आ गया था। मायावती ने कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से ये खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी और बीएसपी एक साथ मिलकर लड़ेंगी। ये खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। इधर बड़े घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी ने अपने 12 जिले के सचिवों को हटा दिया है। साथ ही बीएसपी के फैसले को उनका अपना फैसला बताया। जिनकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी हालत में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनका नामांकन कराना, तो जो लोग नामांकन नहीं करा पाए उनके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त किया है। बहरहाल मायावती ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।